वेलकम भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डिस्कस किया गया था। नाउ सी हियर वी शुड नो दैट इफ देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस they must be as a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and second equation should be a2x plus b2y plus c2 equal to 0। अब यहाँ यदि हम ग्राफ पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने पर कई कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है कि टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, हो सकता है कि दोनों लाइंस कोइंसाइड हों यानी ओवरलैप करें, या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रन करें। तो अगर जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो इसके लिए टू लाइंस को इंटरसेक्ट करना नेसेसरी है। अगर वह इंटरसेक्ट करता है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को जो है हम सॉल्यूशन के रूप में फाइंड कर सकते हैं। नाउ हियर वी शुड नो एट फर्स्ट टू डिटरमाइन दैट द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट आर पैरेलल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के बीच का रिलेशन फाइंड करना होगा, उसके रिलेशन को चेक करना होगा। एंड टू डू सो हियर इफ द कंडीशन इज दैट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2। यानी कंडीशन ऐसा है कि यहां इफ A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, पहला कंडीशन यह चेक कर, यदि इस कंडीशन में आता है कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 देन द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हियर देन द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ द सेकंड कंडीशन इज, यदि दूसरा कंडीशन यह है, यदि A1 A2 B1 B2 का रिलेशन अगर देखा जाए तो इफ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, यानी A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 एंड इक्वल टू C1 बाई C2। यार A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इन तीनों का जो है रेशियो इक्वल हो, यानी यह सभी आपस में इक्वल हैं, तो उस केस में वहां दोनों लाइन क्वाइंसिडेंट होंगे या यो कह सकते हैं ओवरलैप करेंगे, एक लाइन के ऊपर ही वही उसी लाइन पे दोनों रन करेंगे। यानी इस केस में हियर वी कैन राइट देन द टू लाइंस आर क्वाइंसिडेंट। अब इस केस में तीसरा कंडीशन यह होगा कि इफ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। यानी फर्स्ट है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इस कंडीशन में द टू लाइंस विल बी पैरेलल्स टुगेदर, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल्स होंगे। यानी देन द टू लाइंस
आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह से हम जो है हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के बीच के रिलेशन को रिलेशन से हम यह चेक कर सकते हैं कि जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे हमें सोल्यूशन फाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर जो है अगर हमें ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करना है तो सिर्फ एक कंडीशन है कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। उस केस में दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट अगर करते हैं तो उसका ग्राफिकल सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी एन एग्जांपल, एज इफ द एग्जांपल इज गिवन दैट इफ एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, द फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सी यार दो इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इन दोनों से पहले हमें तीन तीन वैल्यूज फाइंड कर लेने होंगे। तीन तीन वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो इसके लिए हमें तीन इक्वेशन फाइंड करने होते हैं एक्स वाई, यहाँ तीन कॉलम हम ले लें। तो यहाँ देखें 3y इज इक्वल टू 6, एक्स को राइट में ले जाए माइनस एक्स, इट मीन y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अब आई 3। अब यहाँ यदि x इक्वल टू आप 0 लेते हैं तो यहाँ 0 पुट कर देंगे 6 माइनस 0 बाई 3, इट मीन 6 बाई 3 इक्वल टू 2, सो y हो गया 2। अब इसी तरह से यहाँ जो है इफ x इक्वल टू 3 ले लें देन y इक्वल टू 6 माइनस 3 बाई 3, इट मीन 3 बाई 3 इक्वल टू 1, यहाँ हो गया आपका 1। सिमिलरली x इक्वल टू 6 लेते हैं, यहाँ y इक्वल टू हो गया 6 माइनस 6 बाई 3, यानी 0 बाई 3 इक्वल टू हो गया 0, यानी यहाँ 0 हो गया। तीन सॉल्यूशंस हो गए। इसी तरह से सेकंड इक्वेशंस का भी तीन सॉल्यूशन निकालना होगा, थ्री सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। यहाँ भी हम ऐसे कॉलम बना लें x y, थ्री कॉलम्स एटलीस्ट। अब यहां देखें, यहां भी हियर वी कैन राइट 2x और 12 इधर ला दें माइनस 12 इक्वल टू 3y, आर y इक्वल टू 2x और माइनस 12 अब y 3 हो गया, 3 को ट्रांसफर कर दिए। अब यहां अगर x का वैल्यू हम लिखते हैं तो x का वैल्यू जैसे कि जो है निगेटिव भी हो सकता है, तो यहां x का वैल्यू इफ है 0 लेते हैं, x का वैल्यू यदि 0 लेते हैं तो y का वैल्यू हो गया 2 इंटू 0 माइनस 12 अब बाई 3, यानी हो गया माइनस 12 बाई 3, यानी हो गया आपका माइनस 4, यानी यहां माइनस 4 हो गया। अब यहां x का वैल्यू जो है अगर हम 2 लेते हैं then y equal to 2 into 2 a minus 12, 2 ना लेके 3 ले, एक और टेंशन मिलेगा तो यहां 3 ले लें अब y 3, यानी x के प्लेस पे 3 पुट कर दिए, 2 3 जा 6 a minus 12 अब y 3, यानी minus 6 by 3, यानी हो गया minus 2, यहां minus 2 लिख दिए। similarly x equal to 6 ले लें then y equal to 2 into 6 a minus 12 a by 3, again here you can see 2 6 that 12 minus 12 yani 0 by 3 equal to ho gaya 0। इस तरह से यहां हम 0 put कर ले। अब इसे जो है हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आप जो है ग्राफ पेपर पे इसे ड्रा करेंगे, हम इसे रफली ड्रा कर दे रहे हैं ऐसे ग्राफ पेपर पे जो है 1 cm पे ऐसे लाइन जो है ऑलरेडी आपको मिलेंगे।
वाई का वैल्यू माइनस भी है, इसलिए इसे जो है आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे एक्यूरेट आंसर फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको जो है एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है, आप रफली ड्रा नहीं करेंगे। अब यहां जो है हम इसे जो है चले, अब यहां देखें यह जो है हमारा यह क्रॉसिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया जो है जीरो। अब यह हो गया आपका एक्स एक्सिस, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। पहले इक्वेशन को हम जो है इस पे लाइन स्ट्रेच करें, जैसे एक्स इक्वल टू जीरो है, यह हो गया आपका एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे, यहाँ हो गया आपका नीचे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे। तो यहां देखें पहले x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू टू, यानी यह पॉइंट हो गया। इसी तरह से x इक्वल टू थ्री, सो वन टू थ्री, यहाँ थ्री हो गया, y इक्वल टू वन, यह पॉइंट हो गया। इसी तरह से x इक्वल टू सिक्स, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और y इक्वल टू हो गया जीरो। अब इसे जो है जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे जो है यह इंटरसेक्ट करेगा एकदम स्ट्रेट लाइन में, आप खींचोगे तो यह स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सिमिलरली यह दूसरा इक्वेशन देखें, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू माइनस फोर, यह लीजिए यहाँ हो गया। दूसरा आपका है थ्री, x इक्वल टू थ्री, तो वन टू थ्री, और यह है माइनस टू, यानी यहाँ हो गया। और फिर x इक्वल टू सिक्स, यानी सिक्स फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और y इक्वल टू जीरो, सेम पॉइंट हो रहे हैं। यानी अगर इसे जो है आप ज्वाइन करेंगे तो एब्स्ट्रेक्टली जो है या सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आप को ग्राफिकल सोल्यूशन मिलेगा। यहां आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पे या दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो सोल्यूशन यानी x इक्वल टू होगा जीरो, सॉरी x इक्वल टू हो गया वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स यानी x इक्वल टू सिक्स हो गया। y चूंकि x एक्सिस पे ही वह लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो y का वैल्यू जीरो हो जाता है, सो हियर y इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से जो है इस ग्राफिकल सोल्यूशन से एज ए रिजल्ट है यहां हमको x इक्वल टू सिक्स और y इक्वल टू जीरो मिला। इस तरह से आप दूसरे इक्वेशंस को भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके x और y का सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।